आज दोपहर नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। ये खबर ज्यादा अहम इसलिए नहीं है, अहम इसलिए है क्योंकि इसके मंचन से मोदी मनमोहन सिंह को जवाब दे सकते हैं। इन आरोपों का जवाब जिसे मनमोहन सिंह ने 3 जनवरी को मोदी पर लगाया था, क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इनकी अदावत की कहानी सालों पुरानी है। नहले पे दहला में इन्हें महारत है और सियासत के इसी खेल में आज एक नया अध्याय शामिल हो सकता है। क्यों, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह के इस बयान को सुनना जरूरी है। If by strong Prime Minister, you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad. That is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its Prime Minister. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. चुपते हुए इसी बयान के बदले आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब मिल सकता है। जवाब कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, जिन पर इतना बड़ा निजी हमला शायद पहले कभी नहीं हुआ, वो भी लोकतंत्र की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे एक शख्स की ओर से। निशाना देश के एक जाते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने की आस बांधे एक मुख्यमंत्री पर साधा है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी एक आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। आयोजन बाबा रामदेव की ओर से है, लेकिन मोदी का इस मंच से मनमोहन सिंह के हमले का जवाब देना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी को पीएम के सिर्फ एक ही हमले का जवाब नहीं देना है, क्योंकि नए साल में पत्रकारों के सवालों से पहली बार मुखातिब हो रहे मनमोहन सिंह ने तो मोदी के सपनों पर भी पानी फेरने की बात कही है। जरा इसे भी सुनिए। I sincerely believe that what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. आज मोदी प्रधानमंत्री के इस भरोसे को भी झकझोरने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मोदी से पहले मोदी के तमाम सिपह सालारों ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन आज तो मौका इनके असल नायक के पास है। आज दिल्ली आने से पहले मोदी को अहमदाबाद में साबरमती मैराथन को हरी झंडी दिखानी है। उसके बाद वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी मेमोरियल सेंटर का दौरा भी करेंगे। लेकिन जहन में यकीनन उसी जवाब की तैयारी चल रही होगी जिसे उन्हें दिल्ली पहुंचकर देना है। आज तक ब्यूरो।